₹35 बीघा का खर्चा है जी, तो ₹35 के पेट्रोल में मेरा किसान भाई एक बीघे खेत की जुताई कर सकता है। किसान भाइयों, बैलों की झंझट खत्म, बड़े ट्रैक्टर की झंझट खत्म, लेकर आ चुका हूँ ऐसा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिससे कि मेरे किसान भाई गन्ने के खेत में या कोई भी मेड़ वाली फसल होती है उनकी निराई गुड़ाई आसानी से कर सकता है। देख सकते हैं किसान दोस्तों, रोको भाई, रोको रोको, एक किसान भाई रुकवा लिए, बंद कर दो, बिल्कुल बंद करवा दिया है पावर टिलर। सबसे पहले आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, क्या शानदार जो है इस पावर टिलर का कलर है। एक किसान भाई जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी लेंगे। चलाया तो आप ही रहते भाई, आप कैसे हो इनके साथ है भाई? भैया हमारे दोनों साझे में है भैया। अच्छा, दोनों साझे में लाए हो? हाँ जी। अच्छा, तो रेख देख में चलाओ दोनों? हाँ। अच्छा, अब ये संग रह है मेरे, बोलते चलते रह मैं अपने। अच्छा, जी लगता रह, जी लगता रह। अच्छा, तो जैसे कि मैंने अभी कहा था, बैलों की झंझट खत्म, ट्रैक्टर की झंझट खत्म, तो सब चीज की झंझट खत्म है। बिल्कुल जी। फायदे बताओ इसके। फायदे तो बहुत है, फायदे बता दो। जुताई इतनी टॉप हो रही है, ये लगा लो इसमें, अब तो ये 28 इंच पे बुई हुई है जी। आज जुताई देख सकते हो, घास कतई खत्म कर रही है जी। नलाई गुदाई करते हैं फिर भी देख लो भाई, पहले घास देख लो और बात देख लो जी। पहले गहराई दिखाइयो, आके सर गहराई दिखाओ, गहराई कितनी ले रहा? लो लो, देखिए अभी किसान भाइयों, पहली बार की है ना जुताई? पहली बार की जुताई है, कम से कम 4 इंची गहराई है। और मेरे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि मिट्टी जो है हार्ड होती है तो वहाँ पर यह काम करेगा नहीं? देख सकते हैं आप, डिले बढ़ना है मिट्टी में किसान भाइयों, पूरी हार्ड मिट्टी है। घास देख सकते हैं, बिल्कुल जो है जड़ से खत्म कर दी है घास, देख सकते हैं भाई जी। देखो जड़ से खत्म कर दी है, नीचे से बिल्कुल जी। तो मेरे किसान भाइयों के लिए जो है फायदे का सौदा होने वाला है। बिल्कुल जी, फायदे का सौदा है भाई किसान। तो भाई जैसे कि मैंने कहा था कि छोटे ट्रैक्टर से कंपेयर कर दिया आज मैंने, तो जो छोटा ट्रैक्टर काम करता है वो काम करेगा, पूरा काम करेगा भैया। छोटा ट्रैक्टर 4 फीट की जोता है, ट्रैक्टर की वाली जी, ब्लेड लगाओ इसी हमारे रोटरी में, ब्लेड लग जाएंगे 4 फीट वाले जी, और 4 फीट वाली इको बड़े आराम से जोतेगा, बड़े बढ़िया का तरीके से घास बिल्कुल साफ करता चला जाएगा जी, और जमीन को ऐसा बना देगा बिल्कुल बढ़िया, भुरभुरी बना देगा, बिल्कुल बना देगा बिल्कुल एकदम जी। तो मेरा किसान भाई के क्या शादी इको और क्या ट्रंच विधि वाली हो जी, जी, दोनों के लिए पावर टिलर काम करेगा भैया। सबसे बड़ा फायदा तो पहले ये देखो, साइडों में जो तिरछे खूल होते हैं जी, ये वाले बड़े ट्रैक्टर से छोटे ट्रैक्टर से सब टूट जाते हैं जी, इससे एक भी पोया नहीं टूटेगा बिल्कुल भी जी। भैया सबसे बड़ा फायदा तो ये है इसका, अगर हम जुतवाएंगे फिर दूसरा बात, जुताई देखो बढ़िया जुताई चल रही है इसकी जी, जुताई तो काफी बढ़िया बढ़िया चलती है भाई, गहराई भी बढ़िया ले रहा, गहराई बढ़िया ले रहा जी। और मैं बात करता हूँ पावर टिलर की क्वालिटी के बारे में जी, क्वालिटी बताइए भाई इसकी, और आगे ये देख सकते हो, ये तो बिल्कुल ऐसा कर दिया छोटे ट्रैक्टर के आगे बम्पर से लगा देते हैं भाई, बिल्कुल बम्पर ही है ये। इंजन इसका 8 HP का इंजन है जी, बहुत ताकतवर इंजन है, जापानी टेक्नोलॉजी है, जापान का इंजन है जी। जी भैया बहुत ही ताकत है, 1 साल हो गया हम इसको यूज करते हुए जी, 1 साल में अब तक कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, 1 साल में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी, एकदम बढ़िया तरीके से, कहीं कोई लीकेज पीकेज तो नहीं हुई इंजन पे? अभी कहीं नहीं है बिल्कुल भी, एकदम बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नया सा है एकदम जी। और भाई जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें तो गियर भी बिल्कुल ऐसी दे दिए जैसे ट्रैक्टर में होते हैं, बिल्कुल जी गियर है। अगर किसान भाई को तेज चलाना है तो दूसरा गियर डाल सकता है जी, धीरे चलाना है पहले गियर तो में पहले में चला सकता है। किसान भाई को एक कूड़ से दूसरे कूड़ में बैक करके ले जाना है तो उसके लिए बैक गियर भी इसमें दिया हुआ है, बैक गियर भी दिया गया, बैक गियर दिया हुआ है जी। किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, दवाइयां लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए इसमें पीटीओ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं किसान भाइयों, ये यहाँ पे देख सकते हैं भैया, आराम से नली लगा के पाइप लगा के पूरे खेत में आराम से आप स्प्रे दवाई का कर सकते हो इसी के द्वारा जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो और भी अटैचमेंट लग जाएगा भाई, मिट्टी चढ़ाने वाला हल लग जाता है यहाँ पर जी, मिट्टी चढ़ाने वाला वो लग जाएगा इसमें, 5 हलों का कल्टीवेटर लग जाएगा इसमें, होता है वो आराम से चल जाएगा जी। और देख सकते हैं किसान भाई मिट्टी देखिए यहाँ पर कितनी जो है गहराई से जुताई कर रहा है भाई, पीछे को उठाओ, बिलेटो की क्वालिटी की बात करूंगा मैं तो भाई, बात करता हूँ बिलेटो की क्वालिटी की, बिलेटो की क्वालिटी क्या, ऐसा तो नहीं है पत्थर उत्थर लगने पर टूट जाए? अरे भाई बिल्कुल भी ना टूटे, देख सकते हो हम जी, साल से इसकी जुताई कर रहे हैं, ब्लेड की क्वालिटी देख सकते हो, एकदम बढ़िया क्वालिटी के ब्लेड है, तखड़े ब्लेड दिए हुए हैं इसमें, ये पत्थर की बात कर रहे हो आप, अगर लोहे भी लगेगा तो भी नहीं टूटेंगे देखिए जी। और यदि कोई बाय चांस ब्लेड टूट जाता है तो कंपनी की तरफ से गारंटी है? नहीं जी, गारंटी गारंटी है, कोई ब्लेड टूट जाता है, मुड़ जाता है, तिरछा हो जाता है, या इसमें ब्लेड में या मशीनरी में कोई खराबी आ जाती है तो 1 साल तक कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी जी, 1 साल तक जिम्मेदार होगी, जिम्मेदारी कंपनी की होगी भी 1 साल तक जी, दिक्कत आती है तो जी।
आप जैसे अभी चला रहे थे लगातार कितने कितने समय तक चलाया आपने पावर टिलर? 2-3 घंटे चला दे मैं अपना वही बतेरा। अच्छा 2-3 घंटे में कितना काम हो जाता है? लगभग 8-9 बीघे निकाल दे मैं। 8-9 बीघे निकाल दो? अरे थकते उकते तो नहीं? अरे क्या थकेंगे, इस पर चल रहे बैलों के पीछे कल्टीवेटर पकड़ लिया। अच्छा भैया जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें तो जोर भी लगाना पड़ेगा, उसमें दाबना पड़ा है, इसमें दाबने जोतना, इसमें तो पकड़ना है, स्टीयरिंग है भैया, स्टीयरिंग संभालना है, बस जैसे ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालना है, ट्रैक्टर का संभालना, बाइक का संभालना, इसी तरीके से है इसका भी कंट्रोल करते हो, उस तरीके से कंट्रोल करना है जी। और अब बात करता हूँ पेट्रोल खपत की, पेट्रोल खपत कैसी है? एक लीटर में 3 बीघे की जुताई करता है, एक लीटर में 3 बीघे की जुताई, 35-40 रुपए बीघा की खर्चा है, इसका ज्यादा खर्चा नहीं है, मात्र 35 रुपए बीघा का खर्चा है जी। तो 35 रुपए के पेट्रोल में मेरा किसान भाई 1 बीघे खेत की जुताई कर सकता है, आराम से कर सकता है भैया जी। अब मैं बात करता हूँ मेरे किसान भाई के पास, जैसे मेहनता हो गया और भी काफी फसलें होती हैं, तो किस किस फसल में जो इसका यूज कर सकते हैं? ये मेहनता में भी कामयाब है, आराम से जुताई कर सकते हैं जी। जब तक मेहनता खूब बड़ा ना हो जाए तब तक इससे जुताई होती रहती है जी। हाँ भैया, और इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम भी हो जाता है गन्ने में लेजर वगैरह से जी, पीछे अटैचमेंट लग जाएगी भैया जी, आराम से आप मिट्टी चढ़ा सकते हो खोलों पे। बाजरा उजरा बोना जी, 1-2 बीघे तो बाजरा बो सकते हैं जी, और जैसा धान का पनीर है या वैसा कुछ काम करना है तो अपने आराम से कर सकते हैं। 4 फीट का रूटर इसमें लगा के, ब्लेड लगा के, उससे आराम से जोत के जुताई कर सकते हैं, 4 फीट रोटरी एडजस्टेबल है, फुल्ली एडजस्टेबल है जी। तो मैं बात करता हूँ जो मेरे छोटे किसान भाई होते हैं जिनके पास 5-10 बीघे जमीन होती है, उनके लिए तो फिर वरदान साबित होने वाला है। बिल्कुल जी, वरदान है, बड़े ट्रैक्टर वाला जाता नहीं जोतने, इतने नहीं जाता साहब जी, और जाएगा भी तो पैसे ज्यादा ले लेता है, पैसे ज्यादा ले लेगा, उसके बाद बड़े ट्रैक्टर से अगर हम इस तरीके की इसमें जुतवाते हैं 2.5 फीट वाली में जी, तो नुकसान बहुत होता है, जाइयों के 6-7 खून होते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं जी, लेकिन इससे एक भी खून, एक भी मेड़ा नहीं टूटा है अभी तक जब से हम जुताई कर रहे हैं, इससे नुकसान नहीं है कोई जी। अगर मेरा किसान भाई छोटे ट्रैक्टर से भी इस जो है गन्ने को जुतवाए तो उसमें भी काफी खूट टूट जाएंगे, काफी गन्ना टूट जाएगा मेरे किसान भाई का। तोड़ता है थोड़े बहुत जरूर, क्योंकि उसे बड़ी मशीनरी है और ये छोटी मशीनरी है, बहुत बड़ा अंतर है जी, इससे टूटता है थोड़ा बहुत जी। और मैं बात करता हूँ जैसे कि क्वालिटी आपने बताई दी है, तो भाई ये बताइए कलर तो नहीं उतरा कहीं से इसका? नहीं, कलर एकदम बढ़िया कलर है, जिस तरीके से गाड़ी वगैरह पे ट्रैक्टर पे आते हैं ना कलर जी, उसी तरीके का कलर है भैया, एकदम क्वालिटी है एकदम जी। यहाँ से जो है हैंडल एडजस्टेबल हो जाएगा? हाँ जी, एडजस्टेबल है, हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, अगर हाइट ऊंची है तो ऊंचा कर सकते हो इसको, और नीची है तो नीचा कर सकते हो जी। और जैसे ट्रैक्टर में टूल बॉक्स दे दिया जाता है, इसमें यहाँ पर दे दिया गया है, अपने फोन वगैरह, वीडियो माचिस, मंडल, जो भी रखना चाहते हो जी कुछ भी धर सकते हैं जी। जी भैया, तो मेरे किसान भाइयों के लिए सुविधा भी दे दी है पावर टिलर में जी। और ये देखिए आप इसका जी, ये बम्पर देखिए एकदम तकड़ा बम्पर लगाया हुआ है, और साइलेंसर के ऊपर जाली लगाई हुई है जी, ताकि किसान भाई को कोई धोखे में हाथ नहीं लग जाए, हाथ लग जाता है तो हाथ ना जले, हाथ ना जले, हाथ ना जले, उसके लिए जाली दी गई है। तो कंपनी जो है किसान भाइयों के लिए पूरी सुविधा दे रही है, सुविधा है भैया, किसान भाई को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जी जी। और किसान भाइयों देख ही सकते हैं आप, इंजन कितने एचपी का बताया आपने? 8 HP में, जापानी इंजन है, 8 HP का जापानी इंजन, मेड इन जापान इंजन है जी। और किसान भाइयों क्वालिटी देख ही सकते हैं, काम भी मैंने आपको दिखा दिया, आप इधर ये वाले खूट देख सकते हैं, इधर देखिए इसमें कितनी घास है, और जोन से खूट भी इन्होंने पावर टिलर से जुताई की है, इन वाले खूट को देखिए आप, बिल्कुल जो है घास भी जो है बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहा। तो किसान भाइयों आप क्या है, गन्ने की खेती करते हो, कपास की खेती करते हो, मेड वाली किसी भी फसल की खेती करते हो, आप इस पावर टिलर को ले सकते हैं, या मेरे छोटे किसान भाई होते हैं जिनके पास 5-10 बीघे जमीन होती है, उनके लिए तो यह वरदान साबित होने वाला है। तो भाई अब एक बात बताइए, मेरे किसान भाई है परेशान है, बड़े ट्रैक्टर का बजट नहीं है, छोटे ट्रैक्टर का बजट नहीं है, जमीन कम है, 5-6 बीघे जमीन है, तो उसके लिए बताइए क्या है पावर टिलर कारगर सिद्ध होगा नहीं होगा? बिल्कुल जी, देखो ऐसा है, जो छोटा भी किसान है, बड़े किसान के लिए तो है ही है जी, लेकिन छोटा किसान भी है वो भी अपनी खेती के लिए इसको ले सकता है, बहुत ही किसान के हित की चीज है जी, छोटी खेती हो भले से, लेकिन उसके लिए आराम से अपने आप जोत सकता है वो जी, मेरा किसान भाई इस पावर टिलर को ले सकता है, बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह पावर टिलर दिखाया है, जो कि 8 HP के इंजन के साथ यह पावर टिलर है, क्वालिटी देख सकते हैं आप, कलर जो है वो आपको सबसे यूनिक देखने को मिल जाता है, इसमें फीचर्स जो हैं इन दोनों किसान भाइयों ने आपको बता ही दिए हैं,
दोनों किसान भाइयों ने साजी लिया है। कितने रुपए का पड़ा था आपको? 38,000 का मात्र रुपए का पड़ा था घर आके। 38,000 रुपए का पड़ा था घर आके। 38,000 रुपए में 2.5 फीट वाले जो जोतने के ब्लेड है वो मिले थे जी। 4 फीट वाले जो ब्लेड है वो मिले थे जी। इसके दोनों तरफ आने जाने के लिए पहिए है जी, वो मिले थे। प्लस इसमें एक लेजर मिला था मिट्टी चढ़ाने के लिए। कौन सी कंपनी फांस दिया आपने? ऐसी सस्ते दे दिया है भाई? जापानी कंपनी है भाई। अच्छा हाँ जी। ये भैया इसमें जो है ना कवर भी लगे हुए हैं साइडों के जी। यहाँ पे कवर लगा देते हैं ताकि ईग जो है आती है वो ना आए और साइड रहे और आराम से जुताई हो सके जी। यहाँ पे कवर लग जाता है तो काफी सारे फीचर्स दे दिए फिर तो कंपनी ने जी। और मैं बात करता हूँ, लिया कैसा था आपने? ये भैया यूट्यूब पे हमने वीडियो देखी थी जी। गन्ने की जुताई के लिए परेशान थे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, उसमें ये जो दिखाया गया था हमने देखा कंपनी से, उसमें कंपनी का नंबर था, हमने डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया, कंपनी के मालिक से बात करके डायरेक्ट हमने उससे ये खरीदा था जी। जी भैया, तो मेरा किसान भाई जो है बहुत ही आसानी से पावर टिलर को खरीद सकता जी, है जी। भैया नंबर हमारे पास है, हम आपको नंबर उपलब्ध करा देंगे, आप जो है लिंक में नंबर डाल देना या स्क्रीन पे नंबर डाल देना। किसान भाई अगर कोई भी लेना चाहता हो तो आसानी से ले सकता है डायरेक्ट कंपनी से बात करके जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह पावर टिलर दिखाया, कैसा लगा आपको यह पावर टिलर और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक शानदार वीडियो के साथ, धन्यवाद।